यूं तो शेर के आगे अच्छे अच्छे जानवरों की भी सिट्टी बिट्टी घूम जाती है, मगर कभी कभार कुछ एक कमजोर दिखने वाले जानवर उस शेर के सामने से कुछ इस तरीके से निकलते हैं मानो वो शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो। अब जरा इसी हाइना को देखिए कि वो किस तरीके से उस जंगल के राजा शेर को भी हरा कर भाग गया, जबकि शेर एक ऐसा शक्तिशाली जानवर है जिसके सामने से बड़े जानवरों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस हाइना की इस बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी जो जंगल के राजा शेर को भी देखकर नहीं डरा। और वैसे तो इन शेरों के शिकार करने के तरीके को देखा जाए तो ये हमेशा झाड़ियों में छुप कर ही अपने किसी भी शिकार का शिकार करते हैं, मगर जंगल में रहते हुए ये शिकारी भी इतने ज्यादा चालाक हो जाते हैं कि इन्हें अच्छे से पता होता है कि इन शेरों के चुंगल से किस तरीके से निकलना है। और ज्यादातर टाइम देखा जाए तो ये हाइना हमेशा झुंड में ही रहते हैं और झुंड में रहकर ही किसी जानवर से अपनी रक्षा करते हैं, मगर इन शेरों का झुंड भी इन हाइना के झुंड से कम नहीं होता। शायद इसी कारण ये हाइना इन शेरों को अपने से ज्यादा ताकतवर मानकर और अपने आप को कमजोर मानकर अपनी जान बचाते हुए भागते हुए ही नजर आते हैं। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हाइना कोई कमजोर जानवर है, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि शेर के सामने से भी उसका शिकार